ऑल वेलकम डियर आप सबका आज के सेकंड डे के वर्कशॉप में, और क्रिप्टो करेंसी रिवॉल्यूशन के इस वर्कशॉप का सेकंड डे है जिसमें आज भी हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। जो क्रिप्टो करेंसी है ये गेट टू रिच स्कीम नहीं है, इसमें आपको सिस्टमैटिक वे में काम करना होगा, सीख करके अलग तरीके से अर्निंग करना होगा। और यहाँ पर यहाँ पर अर्निंग के ढेर सारे सोर्स है, इतने सारे सोर्स है कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ ट्रेडिंग करके अर्निंग नहीं, और भी कई सारे सोर्सेस है जिससे आप अर्निंग करोगे, उन सब के बारे में भी डीप लेवल पे समझने वाले बहुत मजा आएगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो ऑफ करके कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलता हूँ और चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं कंप्यूटर को कनेक्ट कर लूँ। ओके, तो सिमरन सबसे पहले मुझे बता दीजिए वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ, वॉइस वॉइस क्लियर है। ओके, चलिए थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके या ओके मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सिमरन? हाँ, हो रहा है विजिबल। ओके, या नाउ विजिबल? जस्ट वेट। हाँ ओके, ऑल क्लियर एंड या ऑल क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डियर आप सबका क्रिप्टो करेंसी वर्कशॉप के सेकंड डे में, और फिर स्टार्ट करते हैं और बहुत कुछ चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, मैं वेबिनार का जो टाइम है वो ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, शॉर्ट में ही चीजों को आपको समझाऊंगा, उतना ही समझाऊंगा जितना आपको समझ में आ सके, ज्यादा ओवरलोड नहीं करूंगा, ठीक है? तो होगा क्या, हो सकता है ये जो वेबिनार है वो 45 मिनट का या 40 मिनट का हो, उसके बाद हम लोग जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि 15 डेज का है उसको आगे और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर सारी चीजों को कंप्लीट करना और सिखाना आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, ठीक है? तो आप लोग सीखना, स्टेप बाय स्टेप समझना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड डे वर्कशॉप। एक्चुअली कल के वर्कशॉप में कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर किया था, सिंपल एक्सप्लेनेशन की क्या है क्रिप्टो करेंसी, सिंपल वे में हम लोग समझ चुके हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन को भी हमने बात किया था, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन को भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था अच्छे तरीके से। लेकिन क्या है, अभी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को कि अरुण सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग परेशान मत होना, सारी चीजों को सीखोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, ये सब चीजें तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ से हमारा टॉपिक बचा था, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एंड करेंसी, यहाँ से हम लोगों का टॉपिक बचा था। अब यहाँ से हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे आज का, और आज फिर से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और आज हम सीखने वाले हैं स्पेशली क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम लोग बिटकॉइन माइनिंग के बारे में भी स्टडी करेंगे, बिटकॉइन माइनिंग, या फिर आप सोच सकते हो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैसे करना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी एंड करेंसी में यहाँ पे देख लीजिए, डिजिटल इंक्रिप्टेड है और यहाँ पर फिजिकल सिस्टम होता है करेंसी में। थोड़ा सा बस है, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी वर्सेस फियट करेंसी के बारे में, कि एग्जैक्ट क्या है क्रिप्टो करेंसी और फियट करेंसी क्या है, दोनों में डिफरेंस समझने वाले हैं, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है डियर। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्रिप्टो वर्सेस फियट करेंसी, ठीक है? ये हो गया, हमारा बॉक्स बन चुका है। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला आपका है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है क्या, इसको भी मैं आपको डीप लेवल पे समझाऊंगा, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, मतलब इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिस पर ऐसे है कि जैसे मैं बात करूं यहाँ पर फियट करेंसी का, तो फियट करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि जो INR होता है उसको कोई ना कोई एक पर्सन लाइक हमारे RBI गवर्नर कंट्रोल करता है कि कितना इसको स्टार्ट मतलब कितना इसको जनरेट करना चाहिए, कितना नोट छापना चाहिए, कितना नहीं छापना चाहिए, ये सब चीजें वो रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कौन से नोट कब बंद होना चाहिए, कौन से नोट को कब चेंज करना है, ये सब चीजें वो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, इन द सेंस
कि बिटकॉइन कुछ कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आगे मैं इसको डीप लेवल पे समझाऊंगा, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या होता है, डिजिटल मीडियम में ही किया जाता है। फिजिकली कभी भी इस चीज को आप नहीं यूज कर सकते हो, हमेशा डिजिटली ही आपको यूज करना पड़ता है। लेकिन मैं बात करूं इसका, फिएट करेंसी का, तो फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि क्या है, यहाँ पर हम लोग फिजिकली इसका यूज करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे डिजिटली भी करते हैं, तो यस ऑब्वियसली डिजिटली भी करते हैं, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, है ना। तो ये सब चीजें होती है, बट अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, फिजिकली ही इसका यूज करते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिमिटेड सप्लाई। जैसे कि बोला जाता है कि हर एक क्रिप्टो करेंसी का खुद का एक व्हाइट पेपर होता है, वहां पर एक चीज मेंशन कर दिया जाता है कि भाई ये कॉइन है, जो भी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है, वो कितना जनरेट किया जाएगा। जैसे कि 21 मिलियन बिटकॉइन जनरेट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा, ये बोल दिया गया है, ये व्हाइट पेपर में लिख दिया गया है। तो उससे ज्यादा किया ही नहीं जा सकता है, 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ फिएट करेंसी की, तो अनलिमिटेड सप्लाई होता है। अनलिमिटेड सप्लाई मतलब कि हमारा गवर्नर चाहता है, आरबीआई गवर्नर, तो कभी भी छपवा सकता है, कभी भी रुकवा सकता है, तो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन अनलिमिटेड सप्लाई है, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया है कि इंडियन करेंसी जो है ना, वो नोट सिक्के बस इतना ही छपेगा, उससे ज्यादा नहीं छपेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ये अनलिमिटेड सप्लाई होता है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर जनरेटेड बाय कंप्यूटर। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जनरेट होता है कंप्यूटर के द्वारा। माइनर्स जो होते हैं वो इसको जनरेट करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, डिजिटली सॉफ्टवेयर के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू इसका जनरेशन होता है। लेकिन मैं बात करूं फिएट करेंसी का, तो फिएट करेंसी का जनरेटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा इसको बनाया जाता है। किसी भी कंट्री के जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होता है ना उस कंट्री का, वो इसको छपवाता है, कितना छपवाना है, क्या करना है, वो सब चीजें वो देखते हैं, लेकिन वही उनको छपवाता है। कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन यहाँ पर किसी के हाथ में नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू इसको जनरेट किया जाता है। अब हम बात करें अनोनिमस, मतलब कि ये क्या है, अज्ञात है, अनाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनोनिमस मतलब किसका एक नाम है, राइट। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए फिएट करेंसी एंड बिटकॉइन पे थोड़ा सा आप लोगों को एक अच्छे से स्लाइड पे दिखाई दे रहा है कि कैसे है। यहाँ पर देख लीजिए सप्लाई जो है अनलिमिटेड होता है फिएट करेंसी का, यहाँ पे देख लीजिए अनलिमिटेड सप्लाई है, बट यहाँ पर जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, उससे ज्यादा नहीं होगा, एक फिक्स्ड कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, कॉन्फिस्केटेड है यहाँ पर, मतलब कि क्या है, यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ पर क्या है, परमिशनलेस है। परमिशनलेस मतलब कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है डियर, सबसे बड़ी बात यही है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, परमिशनलेस है ये, इसको कोई परमिशन नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए रिस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स, मतलब कि क्या है, ये जो फिएट करेंसी होता है ये एक बॉर्डर, मतलब हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक लिमिटेशन है ना कि वो कितना बड़ा है, तो उस बॉर्डर के अंदर तक ही ये चल पाएगा, उससे बाहर नहीं चलेगा। उससे बाहर अगर आपको चलाना है तो उस कंट्री के जिस भी एरिया में आप हो, उस कंट्री के करेंसी में चेंज करना पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनसाइजेबल है, मतलब कि आप इसको ग्लोबली यूज कर सकते हो, मजे की बात यह है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को फैक्ट बताऊंगा, जब हम आगे बात करेंगे तो हम सीखेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को बैन करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हर चीजों को समझते हैं। कॉइन वर्सेस टोकन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कॉइन, क्या होता है टोकन। इससे आगे अगर नहीं बढ़ पाओगे, अगर आप इसको नहीं समझोगे, तो सबसे पहले मैं बात करूँ एक जो कॉइन्स होता है, ये जो कॉइन होता है, कॉइन इज अ डिजिटल करेंसी सिमिलर टू फिजिकल करेंसी, मतलब कि जो कॉइन होता है ये डिजिटल करेंसी होता है, जस्ट लाइक फिजिकल करेंसी INR होता है ना, वैसे ही डिजिटल करेंसी होता है। लेकिन मैं बात करूँ टोकन का, तो यहाँ पर देख लीजिए, अ टोकन इज अ डिजिटल एसेट इशूड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मतलब कि क्या है, ये जो टोकन है उसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है डियर, ना कि ये एक ऐसा है, मतलब इसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में इस कॉइन को हम काम करेंगे, इस टोकन को। सेकेंड चीज क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, कॉइन्स कैन ऑपरेट ऑन दियर ऑन ब्लॉकचेन विथ दियर ऑन प्रोटोकॉल, मतलब कि क्या है, जो कॉइन्स होते हैं ना ये खुद के ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं, इसका खुद का ब्लॉकचेन होता है। जैसे कि मैं बात करूँ बिटकॉइन का, इथेरियम का, रिपल का, इन सब का खुद का ब्लॉकचेन है जिस पर ये काम करता है। लेकिन मैं बात करूँ टोकन का, तो देखिए टोकन डोंट नेसेसरी ऑपरेटेड ऑन दियर ऑन ब्लॉकचेन, मतलब कि क्या है, ये जो टोकन होता है
इसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता, ये दूसरों के ब्लॉकचेन पे रन करता है। जैसे कि कई सारे कॉइन है, आपको मैं आगे और बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉइन्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पेमेंट, मतलब कि जो कॉइन्स होते हैं ना, इसको आप पेमेंट के रूप में यूज कर सकते हो आराम से। लेकिन मैं बात करूँ, ये जो आपका टोकन है, टोकन का यूज आप डिजिटल एग्रीमेंट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, न कि पेमेंट के रूप में। यहाँ पर सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स एंड जो डिजिटल एग्रीमेंट होते हैं ना, इन सब चीजों के लिए आप आराम से यूज कर सकते हो टोकन का। लेकिन यहाँ पर कॉइन की बात करूँ तो कॉइन का यूज ऑनली हम लोग पेमेंट सोर्स के लिए करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ एग्जांपल देख लीजिए, बिटकॉइन इथेरियम है, इसका खुद का ब्लॉकचेन है, मतलब कि खुद के ब्लॉकचेन बना करके इस पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यूटिलिटी एंड डीएओ, जो टोकन है, ये क्या है, ये दूसरों के ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कॉइन्स और टोकन एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एग्जांपल बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है। बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल, इसकी मैं बात करूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, BSC 20, BEP 20, ERC 20, TERC 20, तो ये सब चीजें आपने देखा होगा ना। तो ये सब क्या है, ये सब ब्लॉकचेन है जिसपे वर्क करते हैं, जिस पर रन किया जाता है ट्रांजेक्शन को, कंप्लीट इसी ब्लॉकचेन से किया जाता है। तो होता क्या है, इन सब का खुद का ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल के और भी कई सारे है जिसके खुद के ब्लॉकचेन है। लेकिन मैं बात करूं टोकन का, तो यहाँ पर ट्रोन है, बाइटॉम है, उसके बाद वीचेन है, तो इन सब का खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, ये दूसरों के ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, रन करता है। तो ये होता है सिंपल सा टोकन और कॉइन। अब आगे चलते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि भाई कोई भी चीज है, उसका यूज करने से पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को जानना बहुत जरूरी है डियर। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो कोई मतलब का नहीं है, इसीलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी में। पहला पॉइंट मैं बात करूँ यहाँ पर है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, नो नीड टू बी सेंट्रलाइज्ड। मतलब कि क्या है, ये जो सिस्टम है, क्रिप्टो करेंसी है, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इन द सेंस कि जो सिस्टम है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, रेगुलेट नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। क्यों, इस तथ्य के बारे में आगे बात करेंगे जब ब्लॉकचेन पे स्टडी करेंगे तब। अभी ध्यान से समझना, हो सकता है 3 दिन का जो वेबिनार है वो आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट 3 दिन के बाद सारी चीजें एग्जैक्ट क्लियर होगा, बिकॉज सभी चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है डियर। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बैंक और RBI, मैंने क्यों कहा है, ये जो RBI है, ये क्या करता है, सारे बैंक को कंट्रोल करता है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो RBI है, ये सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें एक पर्सन ऑनर है और वो सबको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर आप जैसे इस चित्र पे देख सकते हो कि एक पर्सन है, वो सबको रेगुलेट कर रहा है। तो ये क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे एक अलग तरीके का छवि नजर आता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबली यूज्ड नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड। अब मैंने अभी जस्ट बात किया, भाई INR है आपके पास, आप जाइए पाकिस्तान, जाइए अमेरिका, जाइए दुबई, कहीं पर भी जाइए, वहां पर आपको उस जो भी कंट्री है, उस कंट्री के करेंसी में चेंज करना पड़ेगा इंडियन करेंसी को। ऐसे ही यूज नहीं कर पाओगे, कन्वर्ट करना पड़ता है ना। लेकिन क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है, नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप यूज कर पाओगे। डायरेक्ट आप इंडिया में हो तो भी यूज कर पाओगे, USA में रहोगे तो भी यूज कर पाओगे, पाकिस्तान में रहो तो भी यूज कर पाओगे, यानी कोई भी कंट्री में आप रहो आराम से यूज कर पाओगे, कन्वर्जन की नीड नहीं है, ग्लोबली यूजेबल है आराम से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लो ऑपरेशन कॉस्ट, मतलब कि क्या है, इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम होता है ना। लाइक मैं बात करूं, समझना ध्यान से, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपके पास जब ATM बनवाते हो, ATM कार्ड, पासबुक बनवाते हो, चेकबुक बनवाते हो, तो होता क्या है ना, इन सब के चार्जेस कटते हैं। जब आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हो तो चार्ज लगता है, पासबुक में जब आप जाते हो उसका प्रिंट करवाने के लिए तो चार्ज लेता है, पूरा नया पासबुक बनाते हैं ना, तो फिर कुछ चार्जेस आपका कटता है, चेकबुक का अलग से चार्जेस लेता है। तो होता क्या है, यहाँ पर चार्जेस बार बार लिया जाता है, बट यहाँ पर आपको ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्या है, समझने की कोशिश करना, आप सबके पास UPI होगा, आप सब यूज करते होंगे UPI का। ठीक है, और भी कोई भी सिस्टम गेटवे का यूज करते होंगे, बैंक अकाउंट होगा आपका, किसी का स्टूडेंट अकाउंट है, किसी का कुछ और अकाउंट है ना। तो होता क्या है, हर एक अकाउंट में ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है। मैं बात करूं आपके फोन पे का, तो फोन पे का लिमिट होता है 50,000, 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं होता है एक दिन का।
मैं बात करूं आपके करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट में एक दिन में 15 लाख रुपए ही कैसे आप निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। ट्रांजेक्शन के लिए 2 से 3 लाख रुपए आराम से कर पाओगे, लेकिन उससे ज्यादा करोगे तो बैंक से एक बार अप्रूवल लेके नीड होती है। तो होता क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन होता है, हमारा जो पैसा है उसी को यूज करने के लिए हमें इजाजत लेना पड़ रहा है, लिमिट हो गया कि हम उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लिमिट एक्सीड हो गया बोलते ना, तो वो चीज है कि हम उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो और कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, आपके बैंक की बात करूं तो बैंक संडे को सैटरडे को छुट्टी रहता है तो काम नहीं होता है, कभी कभी नाइट में 12 बजे सर्वर डाउन हो जाता है तो काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है, आराम से ट्रांजेक्शन होता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। उसके बाद वेरी फास्ट ट्रांजेक्शन एंड लो ट्रांजेक्शन फी। अब समझने की कोशिश करना, ट्रांजेक्शन मतलब होता क्या है, आप पैसे को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचा रहे हो, तो दो तरीके का ट्रांजेक्शन होता है, एक ट्रांजेक्शन होता है जिसमें आप अपने इंडिया में ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सेकंड ट्रांजेक्शन जिसमें आप फॉरेन में ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो होता क्या है, फॉरेन में अगर हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं INR का, तो मान के चलो मैंने PKR पाकिस्तान से PKR मंगाया इंडिया में, तो होता क्या है, जो PKR है उसको इंडियन करेंसी में लेने के लिए मुझे लगभग ट्रांजेक्शन चार्ज 2 से 3% देना पड़ता है, और उसके लिए अलग से किसी भी थर्ड पर्सन पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना होता है, लाइक स्क्रील है आपका, पायनियर है, पेपाल है, इसका यूज हमें करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहां पर चार्जेस तो लगते हैं, चार्जेस के साथ साथ आपको लगभग 24 to 48 hours टाइम लगता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप यहाँ से इंडिया से कोई भी कंट्री में भेजिए, या कहीं पर भी इंडिया में ही इंडिया के लोगों को भेजिए, या फिर इंडिया से कोई भी बाहर के कंट्री को, कोई भी टाइम आपको नहीं लगता है, विद इन अ सेकेंड ट्रांजेक्शन होता है, वेरी फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, और ट्रांजेक्शन चार्ज बहुत कम लगता है, बहुत कम। लेकिन मैं बात करूं बाकी सब में, लाइक यहां पर ट्रांजैक्शन चार्ज 0.001 देख करके अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी में, अलग-अलग ब्लॉकचेन पे जिस पर हम लोग भेजते हैं ना, उस पे नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन चार्ज कितना होगा, उसके हिसाब से लगता है, लेकिन बहुत कम लगता है ट्रांजैक्शन चार्ज, और टाइम तो बहुत कम, विद इन अ सेकंड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके। अब हम बात कर रहे हैं हाईली सिक्योर्ड, ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू बना होता है। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू क्यों इतना सिक्योर्ड होता है ये मैं तब बताऊंगा जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होता है, क्रिप्टोग्राफी से बना होता है। लाइक आपको पता होगा बैंक स्कैम मैंने क्यों डाला है, क्योंकि हमारे बैंक में स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं, आपको भी पता है पुराने टाइम में मतलब बहुत ज्यादा स्कैम हुआ है, बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जिससे कि हमारा पैसा ही सिक्योर नहीं रहता है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह सिक्योर होता है, कैसे प्रैक्टिकली समझना आपको पता होगा, एक बार जो हर्षद मेहता स्टोरी हुआ था उसमें SBI का बहुत बड़ा फंड घपला हुआ था, जिसके वजह से बैंक कभी कभी बैंक करप्ट हो जाता है, उसके पास फंड नहीं होता है, और बैंक के पास पैसे कहाँ से आता है, आप ही तो जाकर के जमा करके आए हो 1 लाख रुपए, वही है। तो होता क्या है, आप ही का पैसा है और ये आपके पैसे को ही और कहीं इन्वेस्ट कर देता है, शेयर मार्केट में, व्हाटएवर, कहीं पर भी, और वो पैसा कहीं ना कहीं स्कैम का शिकार हो जाता है, और फिर आपका पैसा डूब जाता है, ऐसा होता है, और उसके बाद आपका पैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर क्या, पूरी तरह सिक्योर है, आपका पैसा आपके हाथ में है डियर, ठीक है, आपके हाथ में है, आप कभी भी चाहो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूँ फुल्ली ट्रांसपेरेंसी, फुल ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस क्या है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। लाइक मैं बात करूँ बैंक में जो पैसे होते हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, आपके बैंक के पैसे कहाँ है किसको पता नहीं है, बस ये है कि हाँ मेरे बैंक में पैसा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इसने इन्वेस्ट कहाँ किया वो मुझे पता नहीं। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, एक एक ट्रांजेक्शन ट्रैक किया जाता है, आप चेक कर सकते हो, सारा डाटा चेक कर सकते हो, आप हर एक ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से कि फेल हुआ है, कब आपने किया है, हर एक चीज को चेक कर सकते हो, किसको गया है ये भी चेक कर सकते हो आप, उसके रिसीवर एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद नो मिडिलमैन रिक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ पर किसी भी मिडिलमैन की नीड नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मुझे मान के चलिए यहाँ से सिमरन को मुझे पैसे भेजना है, तो हुआ क्या, मेरे पास UPI के थ्रू भेजूंगा, तो UPI एक मीडियम हो गया जिससे मैंने पैसे भेजा। बट यहाँ पर क्या है, हम लोग डायरेक्ट वॉलेट का यूज करते हैं और P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट पैसा भेजते हैं, और ये जो वॉलेट होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, मतलब कि यहाँ पर वो कोई मिडिलमैन नहीं है। अब हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन हो कि अरुण सर ऐसा तो हो रहा है कि यहाँ पर भी हम एक एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो ये मिडिलमैन होगा। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये जो आपका पेटीएम है, जो आपका UPI है, जो आपका गूगल पे फोन पे है, इसका एक ऑनर है, जो पर्सन है वो जिन्होंने क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कंट्रोल है इस ट्रांजेक्शन में। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर आपके वॉलेट का,
तो वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है डियर, उसको क्या करा है, बनाया तो है किसी एक पर्सन ने, लेकिन बना करके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया है, अब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो होता क्या है, वो एक एक तरीके से अलग ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और कोई भी मिडिलमैन की नीड नहीं होती, आपका पैसा सेफली एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर चला जाता है। लेकिन क्या होता है, यूपीआई वगैरह में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो सर्वर इशू की वजह से आपका पैसा कहीं ना कहीं एक मिडिलमैन में मतलब फंस जाता है, उलझ जाता है, जो सॉफ्टवेयर है उसमें या फिर हम बोल सकते हैं सर्वर है उसमें। क्यों? क्योंकि वो ऑनर होता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसयूज करते रहता है इसीलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे डिफ्लेशनरी इन नेचर, मतलब कि क्या है, सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड है ये। कैसे, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या है, जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ही ज्यादा मतलब प्राइस बढ़ेगा और जितना डिमांड कम होगा प्राइस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड बहुत फास्ट होता है ना, इसीलिए इसमें डिफ्लेशनरी नेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी मार्केट बहुत तगड़ा डाउन हुआ था फिर से, तो हुआ क्या था, एक बिटकॉइन की वैल्यू कुछ 20-22 लाख रुपए तक आ गया था। अब हुआ क्या है, एक बिटकॉइन की वैल्यू फिर से 50-55 लाख रुपए जाने वाला है। तो होता क्या है, यहाँ पर डिफ्लेशनरी नेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको इसी चीज को समझना है क्योंकि ये अप डाउन का ही प्रोसेस है। अगर आपने इस चीज को सही तरीके से समझ लिया तो आप इस पर गेम सही से खेल पाओगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं बात करूंगा डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। भाई मैंने एडवांटेज के बारे में तो बात कर लिया, सही है, पता होना चाहिए कि कौन कौन से एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज भी जान लो कि क्या क्या डिसएडवांटेज है जो कि मुझे नहीं करना है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ नॉलेज। भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है, अब मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं भिड़ गया ट्रेडिंग करने के लिए और फिर मैं बोलूंगा यार मैं तो लॉस कर गया, क्रिप्टो करेंसी बर्बाद है, बेकार है, तो इस तरीके से नहीं होता है डियर। ठीक है, हमें क्या करना है, नॉलेज लेना है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इंडिया में 95% लोगों को नॉलेज नहीं है। भाई क्रिप्टो करेंसी है क्या, नॉलेज नहीं है। और हम क्या करते हैं, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कुछ अजीब सा इंसिडेंट हुआ था। हुआ क्या था, एक स्टॉक ट्रेडर था और उसने क्या करा, जाने अनजाने में उसको कुछ नॉलेज था नहीं और सीबा इनो पर उन्होंने पूरा का पूरा 15 लाख रुपए का अमाउंट लगा दिया, कुछ लगभग 15-20 दिन पहले ही लगा दिया। और हुआ क्या, अभी आप लोगों को पता है शिबा इनो की वैल्यू बहुत स्ट्रांग बूम किया था। तो हुआ क्या, उस बंदे ने जाने अनजाने ही सही 15 लाख रुपए से 1,18,00,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, समझे। लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं है और उसने लगा दिया था, मार्केट पंप हुआ तो अच्छी बात है, डंप होता तो बर्बाद हो जाता। तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नॉलेज ले लो तभी इन्वेस्टमेंट करना। वो तो लक था बोल सकते हो, लक था इसीलिए उसको प्रॉफिट हो गया, अदरवाइज वो कंगाल हो जाता। ठीक है, क्योंकि सिबा इन्होंने एक बार रुला लिया था सबको, तो जिन लोगों के इन्वेस्टर करते होंगे पता होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हाईली वॉलेटाइल है ना। तो होता क्या है, जो सिस्टम है ना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल मतलब कि विद इन अ सेकंड फ्लक्चुएट होते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में ना, जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके फंड पूरी तरह लिक्विडेट हो जाएगा विद इन अ सेकंड, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विद इन अ सेकंड जो फ्लक्चुएशन होता है ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट पहुंचता है आपको इसमें, जो आपका फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो सेफ ट्रेडिंग कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि हाईली वॉलेटाइल है तो संभल करके आपको काम करना पड़ता है इस पर, है ना। अब मैं बात करूं रिस्की, नो सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि क्या है, यहाँ पर रिस्की बहुत ज्यादा है। कैसे, समझने की कोशिश करना, अगर मैंने आपके साथ स्कैम कर दिया, अगर मैंने आपसे 20,000 रुपए का इथेरियम ले लिया, तो हुआ क्या, अगर मैंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपका फंड मैंने घपला कर दिया, तो हुआ क्या, आप मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन नहीं कर पाओगे। राइट, ये गलती मैंने किया है, मैं आपको अपना ही इंसिडेंट बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने 3-4 लोगों को ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के टर्म्स में, ट्रोन के टर्म्स में मैंने फंड दिया था, अप्रॉक्स 2 लाख, मोर देन 2 लाख रुपीस मैंने दिया था। तो हुआ क्या, मेरे पास अब कोई प्रूफ नहीं है, और हुआ क्या, जब मैंने क्रिप्टो के फॉर्म में दिया है तो इसके लिए मैं किसी भी गवर्नमेंट के पास जा करके मैं कंप्लेन नहीं दर्ज करवा सकता हूँ कि मैंने इसको पैसे दिया है, क्योंकि क्या है, ये पूरी तरह से लीगल नहीं है, गवर्नमेंट आपका इस पे हेल्प नहीं करने वाला है। तो होता क्या है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, आपको इस चीज को सोच समझ करके काम करना है कि भाई रिस्क है, गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा तो और भी चीजें आपको क्लियर करूंगा, परेशान मत होना, बस कनेक्ट रहना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कैम। स्कैम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि नो मनी रिटर्न्स, गवर्नमेंट कांट हेल्प। मैं बोला ना कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर पाएगा और आपका पैसा भी रिटर्न नहीं होगा। सपोज दैट आपका, मान के चलो 1,00,000 रुपए का बिटकॉइन है और आपने क्या करा, P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू किसी को पेमेंट कर दिया और आपके पास उसके कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसका मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी है, तो होगा क्या, आप उसका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, ना ही आप जाकर की ये स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट को दिखा पाओगे कि सर देखो इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है।
बिकॉज होता क्या है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी तो है, ट्रांजेक्शन चेक को तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए पुलिस में कंप्लेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज नॉलेज वही होगा तभी तो न्याय कर पाएंगे। अब उनको नॉलेज ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो कहाँ से करेगा। तो होता क्या है, गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें हेल्प नहीं करेगा आपका, आपको इनडायरेक्ट वे में ही कुछ करना होगा, राइट। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, स्कैम भी काफी ज्यादा होते हैं डियर, तो सोच समझ के काम करना। और जो भी पर्सन हो जिनके साथ भी डील करोगे वो ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अभी सब चीजें मैं बताऊंगा, अर्निंग के सोर्सेज भी बताऊंगा, बिना ट्रेडिंग के भी सोर्स बताऊंगा, ट्रेडिंग के भी सोर्स बताऊंगा, तो बस बने रहना, सब चीजों को समझते रहना। अब हम बात करते हैं नॉट एक्सेप्टेड वाइडली, मतलब कि क्या है, आप जाइए सब्जी वाले के पास, राशन दुकान में जाइए, या फिर चाय की दुकान में जाइए, या फिर आप सैलून चले जाइए, वहां पर ये नहीं चलने वाला है। होता क्या है, देखो चलेगा बट अभी टाइम लगेगा। जैसे आपका पेटीएम वगैरह आया था, यूपीआई आया था, तो हुआ क्या, स्टार्टिंग में लोग इसको यूज नहीं करते थे, लोग बोलते थे यार फेक फ्रॉड होगा, स्कैम होता है, ऑनलाइन पेमेंट नाम की भी कुछ चीज होती है। बट हुआ क्या, धीरे धीरे लोगों ने यूज करना शुरू किया, बट उसको यूज करने में टाइम लगा, और आज भी कई जगहों पर यूपीआई यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो क्रिप्टो करेंसी है इसका अभी वाइडली यूज नहीं किया गया है, लेकिन धीरे धीरे होगा, बट अभी क्या है, आपको यूज नहीं कर पाओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं मिसयूजेस, बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है, लाइक ड्रग्स वगैरह में, टेरर फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में। होता क्या है ना, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो तो ट्रैक कर सकते हो आप, चेक तो कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या होता है ना, आप सारी चीजों को कि किसके पास कितना फंड है, किसके पास कितना फंड ट्रांसफर आपने किया, ये सब चीजें तो चेकेबल है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट को इस चीज की बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, कोई डाटा ही उनके पास नहीं रहता है कि वो इस चीज पता कर पाए कि भाई इतना पैसा किसके पास गया, ड्रग्स सप्लाई करने के लिए, टेरर फंडिंग में, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो यहाँ से पैसे फॉरेन जाता है, फॉरेन से फिर आता है, तो ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही होता है। क्रिप्टो करेंसी अच्छी बात है कि लोगों को पता नहीं है कि कितना है, गवर्नमेंट को पता नहीं है, तो सिंपल से मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मैं मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, मतलब कोई भी हथियार वगैरह खरीद बेच सकता हूँ, तो ये सब चीजें बहुत आराम से हो सकता है, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करना, तो ये सब चीजें इजिली होता है। इसीलिए तो हमारा इंडिया इतना रो रहा है कि भाई चीजों को सोच समझ कर ही करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, छोटा सा फिर शॉर्ट में देख लीजिए। ट्रांसपेरेंसी है, एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि क्या होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आप, इन द सेंस समझना, प्रैक्टिकली बताता हूँ। अगर आप आज इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में हो तो आप यूज कर सकते हो फोन पे, गूगल पे, ये सब यूज कर सकते हो, बट अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो उसको यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पर इसका सर्वर काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेसिबिलिटी पूरे ग्लोबली कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब कि अगर मैंने ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पर एक्सेस किया तो मैं जाकर के फॉरेन में किसी भी कंट्री में एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि मैंने बताया है, रिस्क है, लो रिस्क यहाँ पे है बट हाई रिस्क होता है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। स्पीड मैंने ट्रांजेक्शन का बता दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए डिसएडवांटेज में क्या है, लीगल रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद वॉलेटिलिटी मैंने बता दिया आपको, फिर पॉसिबल फंडिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज है ना, जो मैंने आपको बताया, टेरर फंडिंग वगैरह, लोजिंग कीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की नीड ज्यादा नहीं होती है अगर आपको सेफ करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो की होता है, जो बैकअप की होता है, उसको बहुत सेफली रखना पड़ता है डियर। अगर आप उसको सेफ नहीं रखे हो तो हो सकता है आपका पूरा, मतलब कितना भी फंड आपके पास हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना बुला लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस चीज को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वॉलेट पे रख रहे हो, तो सबसे पहले अपने वॉलेट का की अच्छे से सेव करके रख लो, दो तीन जगहों पर सेव कर लो, पेन कॉपी डायरी सब पे नोट कर लो, कहीं पर भी ना छूट पाए। उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी मतलब कि क्या है, ये जो प्रोसेस है वो एक बार तो हो सकता है, वापस नहीं होगा। मतलब मैंने बोला ना कि आपने गलती से किसी को पेमेंट कर दिया, फिर उसको खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करिए, कुछ भी करिए, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजों पर हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, है ना। अब यहाँ पर समझना कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है डियर, समझने की कोशिश करना। आप लोगों को मैं समझाऊंगा, मेरा माउस आप लोग देखना यहाँ पर कि किस तरीके से मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। जस्ट वेट, अभी देखिए ध्यान से। सबसे पहला ये सेंडर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये सेंडर है, और इस सेंडर का प्राइवेट की है, जो मैंने बोला ना पासवर्ड, ये प्राइवेट की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है रिसीवर, ठीक है, ये रिसीवर है, और ये जो है ना ये ब्लॉकचेन है, यहाँ पर जो चेन है ना ये ब्लॉकचेन है। यहाँ पर वैलिडेट करने वाले क्रिप्टो करेंसी के माइनर है, ये माइनर, ये जो खड़ा है ना बंदा, ये माइनर है। और उसके बाद नीचे देखिए ट्रांजेक्शन के लिए
मनी ट्रांसफर सर्विस है ये, लाइक ये हो सकता है आपका फोन पे वगैरह हो, ठीक है, ये आपका एक्सचेंज है और यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका बैंक है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझना कैसे सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहला ये जो बंदा है सेंडर, ठीक है, इस सेंडर के पास क्या होगा, ये जो रिसीवर है, जो ये बंदा है रिसीवर, ये क्या करेगा, इनको अपना रिसीव एड्रेस देगा, अपना रिसीव एड्रेस सेंडर लेगा और सेंडर क्या करेगा, यहाँ से इनके रिसीव एड्रेस के थ्रू फंड ट्रांसफर करता है। तो फंड ट्रांसफर करेगा तो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा, समझने की कोशिश करना, जस्ट वेट, देखिए ध्यान से समझना। जब ये जो सेंडर है, ये सेंडर क्या करता है, ये क्या करेगा, जब इनको जो रिसीवर है उनको पेमेंट करेगा ना, तो सबसे पहले ये बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको इस ब्लॉकचेन पे डाल देता है। मतलब उसने सेंड किया, ब्लॉकचेन पे आ गया। अब ब्लॉकचेन पे आया तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये वैलिडेट करेगा, ये जो माइनर है ये वैलिडेट करेगा, मतलब कि सारी चीजों को चेक करेगा, मतलब कि वो जो ट्रांजेक्शन करा है वो वैलिड है कि नहीं है उसको चेक करेगा। और माइनर्स ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, पजल्स वगैरह, उसको सॉल्व करके उसको वैलिडेट करते हैं। तो ये वैलिडेशन का काम जैसे इन्होंने कर लिया, ये वैलिडेशन का काम इन्होंने किया, अब होगा क्या, वैलिडेशन होने के बाद ये फिर से ब्लॉकचेन पे आएगा। पहले इसने ब्लॉकचेन से होकर के गुजारा, उसके बाद क्या किया, इसको वैलिडेट किया, अब वैलिडेट करने के बाद फिर से ये आएगा। तो इस ब्लॉकचेन और इस ब्लॉकचेन में एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, तभी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। दोनों ब्लॉकचेन पर जब सक्सेसफुल होगा तभी ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा और रिसीवर को पैसा जाएगा, बिटकॉइन जाएगा। अब होता क्या, ये तो हुआ मैंने बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन बताया, क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन। अब होगा क्या, अगर आप उसको मनी के टर्म्स में लेना चाहते हो, डॉलर के टर्म्स में, तो होगा क्या, ये जो बंदा है जिन्होंने रिसीव किया ये क्या करेगा, इस एक्सचेंजर है ना, यहाँ पर अपने फंड को ट्रांसफर करेगा। अभी जो फंड है एक्सचेंजर पे आ गया, अब होगा क्या, यहाँ से जो एक्सचेंजर है, यहाँ से जिन्होंने फंड को ट्रांसफर किया होगा, जस्ट वेट, ये जो फंड है इस एक्सचेंजर पे आ गया, अब यहाँ से इन्होंने क्या करा, इसको सेल करने के लिए ये जो ट्रांजेक्शन पेमेंट गेटवे है ना, मनी ट्रांसफर सर्विस, यहाँ से इसका यूज करके इसको बैंक में लेता है। जैसे कि मैं बात करूं, अपना समझना, मेरे पास फंड है बिटकॉइन, ठीक है, मैंने क्या किया, इस बिटकॉइन को एक्सचेंजर पे रखा है, इसको मैं क्या करूंगा, कोई भी एक लाइक मिडिल जो होता है ट्रांसफर के लिए, जो भी मनी ट्रांसफर के लिए जो भी है, लाइक मैंने कोई भी यूज कर लिया, पेटीएम है, गूगल पे, व्हाटएवर कुछ भी, तो उसके थ्रू मैंने क्या करा, इस बैंक पे पैसे को ट्रांसफर किया, बिटकॉइन से बैंक पे पैसे को ट्रांसफर किया INR के टर्म्स में या फिर करेंसी के टर्म्स में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, नेक्स्ट पिक्चर में आपको अच्छे से क्लियर होगा, समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होना। देखो यहाँ पर भी सेम इमेज है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस इमेज को डाला हुआ है, क्यों डाला समझना। देखिए मेरा पेंसिल, आप लोगों को जस्ट वेट, मैं पेंसिल का यूज कर लेता हूँ, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, ये सेंडर है, ठीक है, ये जो सेंडर है, अब इसने क्या करा, इसने ये जो रिसीवर है, ठीक है, जस्ट वेट, मैं कलर भी चेंज कर लूँ, ज्यादा अच्छा होगा, कलर लाइट ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर से इस सेंडर ने क्या करा, एड्रेस ले लिया और इसका रिसीव एड्रेस यूज करके इसने क्या किया, यहाँ से अपने वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया। तो क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया तो ये आपका ब्लॉकचेन हुआ, यहाँ पर ये आपका ब्लॉकचेन हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या, जो ब्लॉकचेन है इसमें तो आएगा, तो सबसे पहले इस ब्लॉकचेन पे ये पूरा स्कैन किया जाएगा कि भाई ट्रांजेक्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद ये जो वैलिडेट कर रहा है ना, ये वैलिडेट माइनर करता है, बिटकॉइन माइनर लिखा है ना, तो ये वैलिडेट माइनर करता है। होता क्या है, ये माइनिंग करेगा, वैलिडेट करेगा, सारी चीजों को चेक करेगा कि सही है कि नहीं है, उस पजल को सॉल्व करके क्लियर करेगा, उसके बाद फिर से ये इसको ब्लॉकचेन पे डाल देगा। तो होगा क्या, यहाँ पर और यहाँ पर, इस वाले पे, दोनों ब्लॉकचेन पे जब एग्जैक्ट मैच करेगा तब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होकर के इस पर्सन को मिल जाता है, ठीक है। अब इनको तो मिल गया पैसा, अब होगा क्या, इसको मुझे INR में निकालना है। तो होगा क्या, मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक्सचेंज है, ठीक है, इस एक्सचेंज पे मेरे पास बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने P2P के थ्रू या फिर मनी ट्रांसफर सर्विस जो भी हो इसके थ्रू मैंने क्या किया, इसको INR में कन्वर्ट करके अपने बैंक में ट्रांसफर करवा दिया। कैसे, समझने की कोशिश करना, एक्सचेंजर पे है मेरे पास, सपोज दैट बाइनेंस, अभी समझ में नहीं आएगा, बाकी समझ में आएगा, बाइनेंस में मेरे पास फंड है, मैंने क्या किया, P2P के थ्रू या फिर किसी और गेटवे के थ्रू मैंने उस मनी को विड्रॉ किया। तो विड्रॉ किया तो ये जो मिडिल है ना, यहाँ पर मनी ट्रांसफर सर्विस, यहाँ से मैंने अपने बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर लिया और यहाँ से मैं अपने फिजिकल कॉइन ले सकता हूँ आराम से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है क्रिप्टो करेंसी के वर्क का, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैसे होती है, ये तो बहुत टफ काम है जिसका आप लोगों को समझाना होगा, मैं जस्ट अभी वेट समझाऊंगा अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, एंड थोड़ा सा वेट करिए, पहले इसको मैं
हटा दो, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, कैसे आप क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करोगे। भाई आप चाहो खुद की क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करना चाहते हो तो फिर बताइए, हम प्रोसेस बताते हैं आपको। क्या आप खुद की क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करना चाहते हो, टाइप करिए यस, टाइप करिए। लेकिन आपको करोड़पति रहना होगा उसके लिए, ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगने वाला है डियर राजन। चलो ग्रेट, तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम एक खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे। बहुत सिंपल होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, बट टफ बन जाता है जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। होता क्या है, समझने की कोशिश करना, मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए, उसको माइनिंग करने के लिए काफी सारी चीजें लगती है, उसमें से कुछ फैक्टर मैं बताऊंगा। सबसे पहला, आप लोगों को एक पूरा का पूरा हार्डवेयर चाहिए होता है, अच्छा सा हार्डवेयर, मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो कि बहुत अच्छा हो, उसका प्रोसेसर वगैरह सब चीजें बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छा सा हार्डवेयर आपको लेना है। अभी हार्डवेयर इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा, बिकॉज माइनिंग करनी है। होता क्या है, जो हार्डवेयर है इसमें जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर अपलोड करना होता है, आप लोग जाके सर्च करना गूगल में कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग सॉफ्टवेयर बताइए, तो वहां पे मिल जाएगा आपको। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। बट पता है उसको आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो आराम से। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपके कंप्यूटर का इतना ज्यादा यूज करता है कि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल गर्म होकर के ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए इसके लिए बहुत हाई क्वालिटी के चीजें चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बनाना है खुद की बिटकॉइन, खुद की क्रिप्टो करेंसी, तो आपको बहुत स्ट्रांग लेवल का आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा सबसे पहला। सेकंड चीज, आपके पास एक टीम अच्छी होनी चाहिए जो कि माइनिंग करे, जिनको सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज हो, वो चीज नॉलेज हो, ऐसा एक पूरा का पूरा टीम चाहिए जो कि इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद में बात करूं, हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऐसा कि वहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। अगर आप लोगों ने न्यूज वगैरह पढ़ा होगा तो जो टेस्ला था, जो हमारे एलन मस्क जी थे, उन्होंने क्या किया था, बिटकॉइन को टेस्ला में हम यूज करेंगे करके बोल दिया था। फिर उन्होंने क्या कहा, बिटकॉइन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, इसके वजह से पोल्यूशन होता है, इसीलिए हम इसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी के वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हुआ था। हुआ क्या, यहाँ पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, तो आपको हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए रहेगा। उसके बाद आपको प्राइस वगैरह भी चेक करना होगा कि कौन से कॉइन आप जनरेट कर रहे हो, तो उसका प्राइस क्या रखोगे, ये सब चीजें। उसके साथ साथ आपको पूरा का पूरा एक अच्छा सा जगह चाहिए, लाइक जैसे फैक्ट्री होता है ना, वैसा ही एक माइनिंग के लिए एक बड़ा सा फॉर्म चाहिए होता है जहां पर आप माइनिंग करोगे, और बहुत सारे कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, कम से कम 100 कंप्यूटर आपके पास मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी आप सारा प्रोसेस कर पाओगे। अब होता क्या है, कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट इसको मैं डेप्थ लेवल पे तब समझाऊंगा जब मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी सिंपल से ये बता दूं, क्रिप्टो करेंसी आप सिंपल बना सकते हो, लेकिन वहां पर 2 से 3 चैलेंजेस आपके पास होता है। सबसे बड़ा चैलेंज पैसे का होता है, सेकंड चैलेंज आपके जो होता है हार्डवेयर वो होता है, उसके बाद माइनर्स होता है। उसके बाद होता क्या है, जब आपने सारा प्रोसेस कर लिया तो इसको लिस्ट करवाने के लिए आपको लगभग $78,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है, समझे, तभी आपका वो क्वाइन लिस्ट होगा और तब आगे प्रोसेस होगा। बट उस कॉइन की वैल्यू कुछ नहीं होगी, बिकॉज लोग आपको नहीं जानते, आपके कॉइन को नहीं जानते हैं। तो आपको या तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होना होगा और उस कॉइन को जम के प्रमोट करना होगा, और उसके कई सारे चीजें होती है जिस पर हम लोग करते हैं, लाइक कोई करता है फ्री में अपना टोकन बांट देता है, एयर ड्रॉप निकाल देता है, तो इस तरीके से होता है अपना अपना कॉइन का मार्केटिंग करने का स्ट्रैटेजी, वो मैं बताऊंगा जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे आएंगे ना क्रिप्टो करेंसी के, तो वो भी चीजें हम लोग सीखेंगे। हम अभी आगे चलते हैं, सिंपल सी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रोसेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैं बताऊंगा, क्योंकि वहां पर आपको सीखना ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, अब मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप इंडिया में निवास करते हो, ठीक है, और आप मैक्सिमम लोगों का यही डर होता है कि यार क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो गया तो। लेकिन आज आप लोगों का पूरा वहम खत्म हो जाएगा, पूरा डर खत्म हो जाएगा इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद। आज के बाद आप नहीं कहोगे कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी कंट्री सिर्फ नाम का बैन कर सकता है, ओनली नाम का, राइट। ट्रांजेक्शन आप आराम से कर पाओगे, कैसे मैं आगे समझाऊंगा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री थोड़ा सा इंडिया में। एक्चुअली क्या है ना, अभी जब मैं, आप लोगों को पता है क्रिप्टो के फील्ड में मैं पिछले 1 साल से हूँ, तो
तो मुझे एक बंदा मिला था, ओडिशा से था वो, धर्मेंद्र नाम था उनका। एक्चुअली पता है वो काफी एजेड थे और उनका कहना था कि मैं क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की माइनिंग करूंगा और मुझे एक लैपटॉप की नीड है और थोड़ा बहुत फंडिंग की नीड है। वो मुझे फेसबुक से कनेक्ट किया था, उन्होंने मेरा वेबिनार वगैरह कुछ अटेंड किया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ मिल करके इथेरियम की माइनिंग करनी है, आप फंडिंग प्रोवाइड करना, नॉलेज मेरे पास है, लैपटॉप प्रोवाइड करना, छत्तीसगढ़ आकर मैं माइनिंग करूंगा। तो मैंने उनको कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम इतने तो नॉलेजेबल हो नहीं कि कर पाओगे। मैंने कहा वीडियो कॉल पे आओ, पहले हम बात करेंगे। हमने उनसे बात किया, फिर मुझे पता चला कि उनके पास नॉलेज तो है बट मुझे नहीं लगा कि वो कर पाएगा और मुझे लगा कि वो धोखा दे देगा, मैंने उनको मना कर दिया वहीं से। ठीक है, तो होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हो आप, इस प्रोसेस में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन होता क्या है, इंडिया में बहुत लुका छिपी करके काम किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर हो सकता है अगर किसी को पता चला तो, और हो सकता है आपकी जगह मतलब डकैत वगैरह हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इतना ज्यादा वैल्यूएबल है। आप सोचो एक बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाख रुपए है और अगर आपको उसके माइनिंग करने का सीक्रेट पता चल जाए तो आप कितना अमीर बन सकते हो, समझे। इसीलिए तो इस पर मैं बात करूंगा, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर पूरा रिसर्च, एक पूरा वेबिनार होगा, उसमें मैं डीप लेवल पे बात करूंगा। अभी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चलते हैं और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो सबसे पहले 6 अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। होता क्या है, देखो काफी सारे लोगों से मैंने मिला इस एक साल के दौर में, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि मुझे 2012 में 2013 में क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज था, लेकिन होता क्या था, वहां पर हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था सबसे पहली बात, और उस समय नॉलेज रहना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस समय लोग इतना डरते थे लीगल टर्म्स में कि अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, इन सब चीजों के बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, लोग बहुत ज्यादा डरते थे, बट वहां पर मैं बता दूं, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी रहता और इंडिया में बैन भी हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आगे बताऊंगा आपको, चलो समझना। ठीक है, सेकंड हुआ क्या, 2020 में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को अप्रूव कर दिया गया फिर से। ठीक है, फिर से अप्रूव किया गया 2020 में, क्यों किया, थोड़ा लॉजिक के पीछे चलता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जब 2019 में लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में हुआ क्या, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को सारी चीजें देखना पड़ा, और होता क्या है, एक हमारा जो एनालिटिक्स होता है इंडेक्स जो आता है ना, उसमें पूरा का पूरा रैंकिंग वगैरह आता है, उसमें हमारे इंडिया के रैंकिंग देखा गया टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा डाउन था। तो हुआ क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में अमेरिका सबसे अप में था, फिर चाइना वगैरह था, लेकिन इंडिया का कहीं नाम ही नहीं था। हुआ क्या, जो इंडिया है, इंडिया में हम लोग फिजिकल करेंसी यूज करते हैं, हर एक कंट्री में करते हैं, बट जो क्रिप्टो जो ये जो COVID-19 था उसमें कहा गया था कि जितना हो सके एक दूसरे से टच में दूर रहो और सैनिटाइज वगैरह करके रहो, बट जो फिजिकल करेंसी है आप उसको टच कर रहे हो, बार बार उसका यूज कर रहे हो, सोचो कैसे आप बच सकते हो, क्या आप सैनिटाइज किए हो, नोट को नहीं किए हो ना, सिक्के को सैनिटाइज किए नहीं किए ना। तो हुआ क्या, इन सब चीजों को देखना पड़ा उनको, देख करके उनको प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई करना पड़ा कि अब मुझे डिजिटल मनी की ओर आना होगा। तो हुआ क्या, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज पर एनालाइज करना शुरू किया और कहीं ना कहीं उस COVID-19 के वजह जैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग को अप्रूवल दिया गया यहाँ पर कि भाई अब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2021 अभी की मैं बात करूं तो न्यू रूल एंड रेगुलेशन आने वाला है, अभी आया नहीं है। ठीक है, बट ये क्यों किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना क्रिप्टो करेंसी के कई सारे मिस यूज भी होते हैं, तो उस चीज को समझना भी तो जरूरी है डियर, मिस यूज होते हैं। तो हुआ क्या, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है हमारी भी सिक्योरिटी की उसकी गारंटी है, क्योंकि टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स वगैरह ये सब चीजें हमारे इंडिया को खोखला कर सकता है। तो हुआ क्या, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार करा है कि उनका कहना है कि मैं कम से कम ट्रांजेक्शन तो चेक कर पाऊं कि कहां कहां ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, वेट करते हैं प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के साथ 2022 का जो बजट होगा ना, जो हमारा होगा उस पर इसको पूरी तरह से लेके आएंगे, अप्रूव होना ना होना बताएंगे। लेकिन मैं दोनों एस्पेक्ट लेके चलूंगा, एक तो चलो पूरी तरह बैन हो गया लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए का बिटकॉइन है, तब क्या करोगे, क्या आपका 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बर्बाद हो गया। सबसे मजे की बात यह है डियर कि कोई भी कंट्री परमानेंटली बैन कर ही नहीं सकता है, अगर हो भी गया तो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों बताऊं, क्योंकि आपके पास जो क्वाइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, वो क्या है, वो आपके वॉलेट में है। ठीक है, आप उसको अपने वॉलेट में रखोगे, पूरी तरह सेफ और सिक्योर होगा, इसका मिसयूज हो ही नहीं सकता और इसको कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने बैन कर दिया है इंडिया ने तो अपने आप वो डिसेबल हो जाएगा या फिर उसको कोई पकड़ लेगा, ये चीज होगा ही नहीं। ठीक है, वो आपके पास रहेगा। मजे की बात यह है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ
कि अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया तो मैं और 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और ज्यादा कॉइन होल्ड करके रखूं। क्यों बताऊं, समझना ध्यान से, प्रैक्टिकली समझाता हूं। हमारे इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है, सेकंड रैंक पे, और क्रिप्टो करेंसी की यूज करने में थर्ड रैंक पे आता है, पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे। भाई अब सोचना जरा ध्यान से, मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के जब प्रिंसिपल बताया था, गोल्ड प्रिंसिपल, सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड है ये, ठीक है। अब हमारे इंडिया में अगर इसको बैन कर दिया तो सोचो कि वर्ल्ड का सेकंड नंबर का जो लार्जेस्ट कंट्री है उसके पूरे की पूरी पोर्टफोलियो पूरा का पूरा सेल होगा, तो क्वाइन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इतना डाउन जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब होगा क्या, डीप में आप परचेस करके रख लो, 2 साल भले ही बैन रहने दो, 2 साल के बाद आप उस क्वाइन की वैल्यू देखना कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बैन होने के कंडीशन में होगा कि आपको बेनिफिट ही होगा। अब बैन ना होने के कंडीशन में बात करते हैं, बैन नहीं होगा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इंडिया में 95% लोगों को नॉलेज भी नहीं है। अब समझना ध्यान से, मैं समझाता हूँ। अगर हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से लीगल कर दिया, पूरी तरह से, तो होगा क्या, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का रिवॉल्यूशन आ जाएगा और लोग सीखना शुरू करेंगे। अब सीखना शुरू करेंगे तो हमारे पास बेनिफिट सबसे पहला है कि इंडिया खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मैं टाइम से उसका यूज कर पाऊँ, उसका खरीद पाऊँ बहुत कम प्राइस पे और होल्ड करके रख पाऊँ। सेकेंड चीज, मैं क्या करूँगा, वर्कशॉप वगैरह लूंगा, अपना प्रमोशन, अपनी ब्रांडिंग करूंगा और लोगों को सिखाना शुरू करूंगा और वहां से मैं पैसे कमाऊंगा। उसके साथ साथ होगा क्या, जो क्रिप्टो करेंसी है, आपको पता है अभी इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सिर्फ 5% लोगों को नॉलेज है। जब ये 50% लोगों तक पहुंचेगा तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कहाँ जाएगा, आसमान छुएगा कि नहीं छुएगा। तो अगर अभी पूरी तरह लीगल भी कर देता है तो भी आप इन्वेस्ट करके रख लो, 4 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो 20 गुना 30 गुना 40 गुना 100 गुना भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल पे काम कर रहा है ना, जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा आपको। तो आपको दोनों ही तरीके से प्रॉफिट होगा, वो चाहे बैन हो या फिर ना हो, दोनों ही तरीके से। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी कंट्री अपने, मतलब ऐसा है कि कोई भी बाप अपने बेटे का नुकसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मतलब हमारे इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट हमारा ही नुकसान कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उनको क्लियर हो चुका है कि हमें क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करना है। इसीलिए हमारे इंडिया में भी कई जगहों पर क्रिप्टो करेंसी पे वर्क शुरू हो गया, ब्लॉकचेन पे ट्रेनिंग देना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे काम हो रहा है। मैं बात करूँ, फर्स्ट क्रिप्टो बैंक जयपुर राजस्थान में लॉन्च किया जा चुका है फाइनली। आप लोगों को देखना है तो जाकर के देख भी सकते हो, वहां पर आप लोग डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर पाओगे जैसे कि करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ, ये जो बेंगलुरु है उसमें फर्स्ट बिटकॉइन ATM भी लॉन्च किया जा चुका है डियर, ठीक है। तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, एंड अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप लोग बहुत पीछे हो फिर, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये चीज अटका है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये जो सेबी है, सेबी मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे शेयर मार्केट का मेन हेड है और जो हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है ना, इन दोनों के बीच मतभेद हुआ है। हुआ क्या है, जो RBI है, RBI क्रिप्टो करेंसी को एसेट्स नहीं मानता है, और जो सेबी है, सेबी ना क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी नहीं मानता है। मतलब कि क्या है, RBI सोने को एसेट मानता है और ये जो सेबी है वो सोने को कमोडिटी मानता है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों, एक इसको कमोडिटी मान ले और एक इसको एसेट्स मान ले, तो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट इन दोनों को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया, सेबी ने इसको कमोडिटी मानने से डिनाई कर दिया और ये जो RBI है इसने एसेट मानने से। तो हुआ क्या, इन्हीं दोनों के बीच अभी मतभेद की वजह से सारा सिस्टम रुका हुआ है। इन दोनों के बीच ही डिसीजन होकर के 2022 में आपको रिजल्ट मिलेगा। जब अप्रैल में बजट होगा ना, तब आपको एग्जैक्ट न्यूज मिलेगा कि क्या करना है, और ये दोनों के दोनों मिल करके इस प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। होता क्या है ना, देखो फिजिकल करेंसी है तब तो अच्छी बात है, बॉन्ड वगैरह है तब तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है यहाँ पर डिजिटल करेंसी है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो RBI उसको एसेट मान नहीं सकता है, भाई ठीक है मान भी लिया, अब उसके पास एक फिजिकल क्वाइन है, कल के दिन इस क्वाइन की वैल्यू आज 10 लाख था, कल 0 हो गया, तो क्या होगा, क्योंकि बिटकॉइन जिसकी वैल्यू 50 लाख है, हो सकता है उसके वैल्यू 0 भी हो जाए, हो सकता है। तो उस कंडीशन में रिजर्व बैंक क्या करेगा, वो तो कंगाल हो जाएगा। सेबी की बात करूं तो सेबी ने क्या किया, अगर वहां पर कमोडिटी में ऐड कर लिया तो बिटकॉइन की वैल्यू अभी तो ठीक है 50 लाख है, लेकिन भाई मार्केट में अगर मैंने और बिटकॉइन को लेकर के आ गया तो बिटकॉइन लिक्विडेशन ज्यादा होने की वजह से मार्केट में इसका प्राइस 0 हो गया,
तो ये तो बर्बाद हुआ ना। दैट्स व्हाई दोनों के दोनों अभी सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। इन दोनों के बीच ही मतभेद है जिसकी वजह से सारा सिस्टम रुका हुआ है हमारे इंडिया का। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच जब पूरा का पूरा बात होगा तभी आगे काम होगा, ठीक है। तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, 2022 में इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले तक मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा कि हाँ भाई ये इलीगल है लीगल है, लेकिन मैं बता दूं लीगल नहीं है और न ही पूरी तरह से इलीगल है। एक बीच में फंसा हुआ मझधार है, बोल सकते कि ना इधर का ना उधर का बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करूं जयपुर राजस्थान में बिटकॉइन एटीएम की या फिर सॉरी आपके क्रिप्टो बैंक की, तो आप देख सकते हैं वहां से फोटो वगैरह जयपुर राजस्थान में इसको लॉन्च किया जा चुका है फाइनली, ठीक है। अब हम लोग इतना ही, उसके बाद हम बात कर लेते थोड़ा सा और है बस, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर इन इंडिया। यहाँ पर देख लीजिए इंडिया में जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर है ना, उसमें CoinDCX गो है, क्वाइन स्विच कुबेर है, वजीर एक्सा है ना, और उसके बाद यूनो कॉइन है, उसके बाद जेप्पे है, ठीक है। अब होगा क्या, आप लोगों को CoinDCX गो के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा क्योंकि अमिताभ बच्चन सर इनके ब्रांड है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो क्वाइन जितने भी ये है एक्सचेंजर, ये पूरे के पूरे एक्सचेंजर इंडिया का है और आप आराम से यूज कर पाओगे। तो इन सब के बारे में मैं बात करूंगा जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर की बात आएगी तब। अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, अभी जो हमारा वेबिनार होगा ना उसमें मैं थोड़ा सा बात कर लूँ आगे, और थोड़ा सा बस है दो पेज बस है, उसके बाद मैं क्लियर करके खत्म करूंगा, है ना। बस देखिए यहाँ पर जो इंडियन सेलिब्रिटीज है इन लोगों का आप देख लीजिए क्रिप्टो में प्रमोशन, आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप सनी लियोन को देख लीजिए और अपने सलमान खान को, इन लोगों ने अपना NFT लॉन्च किया। अभी NFT क्या है परेशान मत होना, अभी वेट करना, आपको आने वाले टाइम में NFT का भी पूरा नॉलेज मिलेगा कि एग्जैक्ट है क्या NFT और कैसे आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बट अभी एग्जैक्ट ये मैं कह दूं कि हमारे इंडिया में जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज भी नहीं था, वो लोग खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। ये खुद की NFT निकाल दिए, जिन लोगों को ABCD नहीं पता है, इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जिनको ABCD नहीं पता है। आप देखोगे अमित भनाना है, आशीष चंचलानी है, कई सारे और जो टिकटॉकर्स है, टिकटॉक स्टार्स है, उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना करके प्रमोट किया जा रहा है, उन लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है ना। तो आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है, अभी जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा है और आपको इसी का बेनिफिट उठाना है। बिकॉज अगर आपने अभी नहीं समझा तो जब ये लॉन्च होगा तो आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को आगे बात करते हैं, यहाँ पे रणवीर सिंह को आप लोगों जानते ही होंगे, ये भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है CoinDCX गो का, अमिताभ बच्चन का तो मैंने बता ही दिया। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी था डियर, एंड अब हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, आज का वेबिनार यहीं पे स्टॉप होगा। थोड़ा सा वेट करिए, मैं जस्ट अपने मोबाइल पे कनेक्ट कर लूँ बस थोड़ा सा वेट करिए, मोबाइल पे कनेक्ट करने दीजिए। आज शायद कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सिमरन वॉइस क्लियर है ना मेरा, बता दीजिए जरा। वॉइस क्लियर है, एग्जैक्टली क्लियर है। ओके जस्ट वेट, मैं लैपटॉप को अनम्यूट कर दूं, जस्ट वेट ना। मेरा वीडियो विजिबल नहीं है क्या सिमरन? नहीं वीडियो विजिबल नहीं है आपका। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जस्ट वेट डियर, सॉरी एक्चुअली मेरे जूम पे थोड़ा प्रॉब्लम था। एंड फाइनली आज का वेबिनार हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा हुआ हो, बट मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को कवर किया है। अब आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या इंडिया में, अब इसका आराम से यूज कर सकते हो आप लोग। अब आप लोग कभी नहीं कहोगे कि कहीं ये बैन तो नहीं हो जाएगा, इस चीज को लेकर के कभी नहीं डरोगे। आज मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखा दिया है, कल हम लोग बात करेंगे एयर ड्रॉप के बारे में, मीम्स कॉइन के बारे में, और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कॉइन्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट दे पाए, कुछ ऐसे एयर ड्रॉप बताऊंगा जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सके। क्योंकि मीम्स कॉइन की मैं बात करूं डियर, तो एक मीम्स कॉइन हो सकता है आप लोगों को करोड़पति भी बना दे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना
शिवा इनो में एक बंदे ने 15 लाख रुपए लगाया था, एक ही हफ्ते में वो करोड़पति बन गया, 15 लाख से 1 करोड़ 18 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। तो आप लोगों को इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मीम्स कॉइन और एयर ड्रॉप दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे, और कल का जो वेबिनार होगा उसमें मैं कुछ और चीजें बताऊंगा जिसमें ऑनलाइन अर्निंग के वे होगा क्रिप्टो करेंसी पे ही, तो आप लोग अच्छे से अटेंड करना। आज का वेबिनार बस इतना ही था, फटाफट बता दीजिए वेबिनार कैसा लगा, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का कि कैसा लगा आप लोगों को वेबिनार, के आप लोगों ने सच में चीजें कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, फटाफट बताइए फटाफट बताइए एकदम होपी बहुत गजब था, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप सबका, सुपर्ब। और फटाफट फटाफट फीडबैक देने में कंजूसी मत करिए, मैंने बहुत मेहनत किया, रात में 4 बजे तक मैंने स्लाइड प्रिपेयर किया था, पूरा रिसर्च किया मैंने फिर प्रिपेयर किया, क्योंकि स्लाइड बनाना सबसे बड़ी बात होती है, तो मैंने स्लाइड वगैरह प्रिपेयर किया था बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सिंपल बनाया था उसको कि और सिंपल वे में मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा, थैंक यू सो मच, एंड कल के वेबिनार में फिर से मिलेंगे सेम टाइम में, लिंक आपको आधा घंटा पहले ही मिलेगा, तो लिंक के लिए परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं सर लिंक लिंक लिंक, तो परेशान मत हुआ करिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, 9:30 PM से पहले कनेक्ट हो जाना आप लोगों को, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, लिंक आप लोगों को डेली मिल जाएगा बहुत टाइमली, परेशान मत होना। और डेली का जो वेबिनार होगा 9:30 PM का ही होगा, जिस दिन मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। तो चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर डियर, थैंक यू सो मच।